महज 50 मीटर दूरी पर स्थित मसूरगंज इलाके का, जहां चार की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने सिगरेट और पान मसाला व्यापारी को गोली मारकर घायल कर दिया। साथ ही झोले और बैग में भरा 15 लाख रुपए की लूट कर भाग निकले। घटना की सूचना भी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने सिगरेट व्यवसायी की पहचान नगला निवासी राजेश उर्फ कालिया के रूप में किया है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज से अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। फिलहाल व्यवसायी ने बताया कि वो दुकान के बिक्री का 15 लाख रुपए बैग और झोले में लेकर स्कूटी पर जा रहा था कि चार नकाबपोश अपराधियों ने उसे घेर लिया और बैग भरा रुपया छीनने लगा, जिससे उसे विरोध करने पर उसके अपराधियों ने मारपीट की और उसे गोली मारकर घायल कर दिया। साथ ही रुपए से भरा बैग और झोला लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पीड़ित व्यवसायी से बयान पर मामला दर्ज कर अपराधियों के खिलाफ छापेमारी अभियान में जुट गई है। सोना रानी के साथ न्यूज 24 की रिपोर्ट। स्टाफ तो संग ही जाता था, कोई सामान निकालने के लिए आगे किसी और भेजने से यही भेजने हम दुकान बंद कर जा रहे थे घर में, रास्ता में चार आदमी मिलकर फिरा दिया। उसके बाद बोला बेग दो झोला दो, बेग भी था झोला भी था, दोनों छीन लिया। हम बेग पकड़ रहे तो गोली चला दिया भाई से, माता पर फान दिया, कुंड दिया कुंड से माता तो सब फोड़ दिया था, गोली चला दिया धान धान चल। किस चीज का दुकान था आपका वहाँ? पान मसाला सिगरेट का। कहाँ पे दुकान हुआ आपका? मेन रोड मसूरगंज। आप लोग से पैसा भी लिया है छिंचा? हाँ। कितना लिया? पैसा था 15, बिक्री था जितना, सजावट नहीं था सब पैसा। लमसम कितना होगा? 15-20 लाख। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। जो लोग गोली चलाए उन लोग को पहचानते हैं? सब काला पट्टी बांधे हुआ था, काला शर्ट भी पहने हुआ था, सब था, चार पांच आदमी से था। कहाँ पे गोली मारा गया है? क्या नाम था इनका? राजेश कुमार। कौन लगते हैं आपके? मेरे भाई हैं। क्या करते थे? बिजनेस दुकान है। लूटपाट के क्रम में क्या अंदाजा से जो बता रहे हैं राजेश कुमार कि लगभग 12-15 लाख रुपया था, स्टॉकिस्ट हैं सिगरेट गुटखा के, और मंडे को इनके यहाँ लोग पैसा यहाँ से कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद वो पैसा वही रात में अपना दुकान बंद करके निकल रहे थे, उसी समय चार लोग आके इनके साथ मारपीट किया है और पैसा छीन गया। तो लूटपाट किया गया है इनके साथ और उसके बाद गोली चलने की बात आ रही है? पैर में गोली मारा है और सर पे भी कुछ। कितने लोग थे अपराधी? कितने थे? चार लोग थे। किस चीज से लोग आए थे? लोग पैदल ही थे। क्या कुछ अब तक अनुसंधान? हम लोग कुछ लोगों का सत्य आधार पर पहचान किए हैं और छापेमारी कर रहे हैं। कहाँ पर ये लूट हुई है सर? देखिए मंसूरगंज में इनकी दुकान है और वहीं से लगभग एक दो बात आगे ही अपना स्कूटी से लेकर निकले थे, उसी समय चार लोग घेर के इनके साथ। क्या चीज का व्यापार करते थे? सिगरेट और गुटखा। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।